एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय जून का महीना, माँ ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। माँ बोली, और बेटा? और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। माँ बोली, तो नहा ले। बोले, गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काय को फोड़ रही है? पत्नी बोली, माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कर दे, हम कहां चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहां चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए, एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो ये कहो, कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। श्री जनक जी और जनक जी के परिवार ही जन राम जी को देखते हैं तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, यह हमारे संबंधी। सहत विदेह बिलोक ही रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा आप विचार करो, एक ओर तो मधुर मूर्ति श्री राम और एक ओर काल की तरह, मनोवीर रस धरे शरीरा और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा, ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं।